comparing places notion of space when the notion of space changes then the compare in comparing places you bring in those different notions of space that means space ka matlab a geographical entity hai. space ka also is uh, the kind of socio-cultural political and economic spaces that different countries have Ab hum dek, isko ke liye, there are examples ko for instance, look at these geographical units. Aapka, you can make a, a sort of a comparison between countries to, that have shared a, a colonial past. For instance, sub Saharan Africa, you can choose these regional entities. Look at these as one sort of having this basic similarity of having a colonial past. ब्रिटिश फ्रेंच बिकॉज वर ऑल ब्रिटिश फ्रेंच पोर्चुगीज कॉलोनीज इस तरह से आप देख सकते हैं सो इट इज नॉट नेसेसरी उनकी इन ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ का इनके बॉर्डर्स मिल रहे हो लेकिन इनका एक शेयर्ड हिस्टोरिकल पास्ट है यू कैन ऑल्सो लुक एट शेयर्ड रिलीजियस बिलीव एंड पोलिटिकल हिस्ट्री आप ये भी देख सकते हैं लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ स्टडी इन सिलुवा उसने ये देखा टू टू थाउजेंड सेवन में He looked at six newly independent countries in Asia and in Azerbaijan, and he tried to see what is the impact of that those um, in the, of the, this independence on the educational systems of these countries. He looked at those. Then you can also have regional economic blocks, Just uh, go up, West. फॉर वेस्ट एन सेंट्रल यूरोप को जैसे आप एक इकोनॉमिक ब्लॉक कहते हो नॉर्थ अमेरिका वट अबाउट ईस्ट एंड सर्दर्न एशिया एंड सर्दर्न अमेरिका यू कैन लुक एट दीज एज वन एंटिटी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज आ रही है तो इस रिजन को आप इस तरह से देख सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट कंट्रीज दैट कम अक्रॉस कम टूगेदर एंड बिकॉज ऑफ सम पोलिटिकल डेलीब्रेशन थिंक ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंस्टेंस और थिंक ऑफ एपेक थिंक ऑफ ओ ओसीडी एंड थिंक ऑफ आपका जो नेफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन uh, ट्रीटी जिन्होंने इकट्ठे की हुई है सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डिफाइन रिजन्स सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ जब आप कहते हो रिजन्स का आप कंपेरिजन कर रहे हो दीज आर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट सो इट इज द रिसर्चर और द पीपल ओवर डे दे आर नॉट अ नेचुरल गिवन ऐसा नहीं कि हमेशा से यही थे दे आर इवॉल्विंग दे आर डायनेमिक चेंज होते रहते हैं और जो भी रिसर्च कर रहा होता है वो एक कॉन्स्ट्रक्ट अपने जहन में एक सिमिलैरिटी का और इनको आपस में क्लस्टर करने का एक रीजन को उन कंट्रीज को किस तरह क्लस्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ वन बेसिक सिमिलैरिटी और टू बेसिक सिमिलैरिटी वो इनको क्लस्टर कर सकता है सो देट इज परफेक्टली ऑल राइट